गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 10.114 प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 7, 8 और 9 इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आप अपने गणित में देखें। छठे प्रश्न के पहले भाग में स्टेटमेंट दे रखी है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैंने त्रिभुज बना लिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। अब इनका परिमाप ज्ञात करूंगा मैं। परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों को जोड़ूंगा बस, और क्या, हमने की कर चुके हैं हम इसको। परिमाप ज्ञात कर लिए, जोड़े 4, 3, 7 और 5, 12 सेंटीमीटर, इसका परिमाप आ गया है। ठीक है, अब बी भाग में दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर भुजा हमें दे रखी है और उसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैंने त्रिभुज बना लिया, समबाहु त्रिभुज, जिसमें एक भुजा 9 है, दूसरी भी 9 है, तीसरी भी 9। समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं समान होती है, तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, तीनों का जोड़। या फिर यदि कोई हमारे पास ऐसी समबाहु बहुभुज कोई भी दे रखी हो तो उसका परिमाप हम ज्ञात कर सकते हैं उसकी एक भुजा को जितनी भुजाओं की संख्या उससे गुणा करके। जैसे इसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है और भुजाएं कितनी है, 3, तो 9 × 3 करके भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जोड़ चला हुआ है तो 9 सेंटीमीटर जमा 9 सेंटीमीटर जमा 9 सेंटीमीटर, इस प्रकार से 9 × 27 सेंटीमीटर हमारे पास इसका परिमाप आ जाएगा। अब सी भाग में दे रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो दो भुजाएं मैंने 8-8 सेंटीमीटर ले ली और तीसरी जो समान भुजा वो 6 सेंटीमीटर वो मैंने यहां पे ले ली। तो अब इसका यदि मैं परिमाप ज्ञात करूंगा, वो परिमाप हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर जमा 8 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर, तीनों का जो 16 और 22 सेंटीमीटर, इसका क्या आ हमारे पास परिमाप आ गया है। ठीक है, अब सातवें प्रश्न की स्टेटमेंट यदि आप पढ़ेंगे, उसके अंदर दे रखा है कि एक ऐसी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो हम इसका परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। परिमाप के लिए जोड़ी तो करना है, 10 सेंटीमीटर जमा 14 सेंटीमीटर जमा 15 सेंटीमीटर करें। 10 और 4 10 और 14 24, 24 और 15 कितना आ गया, 39 सेंटीमीटर, इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया है। आठवें प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक समषट्भुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है, तो उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, हमने 8-8 ले लिया इनको। अब मैं लूंगा समषट्भुज का परिमाप, परिमाप ज्ञात करूंगा। और मैंने बताया था कि समबहुभुज कोई भी होती है उसकी एक भुजा जितनी है 8 मीटर है, उसको यदि भुजाओं की संख्या से गुणा कर दो, अब मैं गुणा ले रहा हूं, कितने भुजाएं हैं, 6 है, 6 से गुणा कर दो तो परिमाप आ जाएगा, 6 से गुणा करके ही परिमाप आ जाएगा। और इस 8-8 को 6 बार जोड़ दे फिर भी वही परिमाप आएगा, 8 × 48 मीटर, इसका परिमाप आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब नौवां प्रश्न है, वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका परिमाप 20 मीटर है। अब वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या होता है, 4 × भुजा, वो हमें दे रखा है कितना, 20 मीटर। और यदि मुझे भुजा ज्ञात करनी हो तो मैं क्या करूंगा, जो परिमाप है 20 मीटर उसको 4 से भाग दे दूंगा, ये 4 गुणा में था इधर आके भाग में, अब क्योंकि 4 बार भुजा हमारे पास परिमाप होता है, तो यहां से काटें 4 × 4 × 4 × 4 = 20, तो कितना आ गया, 5 मीटर उस वर्ग की भुजा हमारे पास आ गई। देखो वर्ग का परिमाप दे रखा, भुजा ज्ञात करनी है तो हमें सिंपल परिमाप को 4 से भाग देना है, तो हमारे पास भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो ये चारों प्रश्न आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।